रसूल मोहम्मद के वाजिब इहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में सलाम करते हैं। व्यूवर्स, आज आपको पता है कि एक सबसे अहम कॉन्फ्रेंस G20 मालिक का इजलास हुआ है, जिसके बारे में आप सुनते रहे होंगे और कल इस चैनल न्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद ने भी आपको बताया था कि इस इवेंट में मोदी साहब की साइड लाइन में कुछ मुलाकातें होंगी 12, लेकिन वो 12 से ज़्यादा हुई, तकरीबन 15 के करीब हो गई। इसमें काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई और जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आ रही हैं, हम वक्तन फ़वक्तन मालूमात लेंगे न्यू दिल्ली से, लेकिन इस वक्त चूँकि भी इवेंट आज चला है और आज ही उनका डिक्लेरेशन भी जारी हुआ है, तो अभी वहाँ पर बहुत सारे तर्जनिकार और जो बाखबर हल्के हैं वो ज़रा बिज़ी हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो हमें वहाँ से मालूमात मिली है उसमें हम आपको बता देते हैं कि ये जो G20 का जो इजलास है ये बिलाशुबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि इसके अंदर वो बाइडन और अपना प्यूटन साहब प्यूटन और जीपिंग जो है बनफ़से नफीस नहीं आए, जिसकी वजह से बाइडन को कुछ थोड़ी सी मायूसी भी हुई, नहीं मुझे वहाँ से मालूमात जो हुई हैं उसमें उनको मायूसी की कोई उन्हें नज़र नहीं आती है, बल्कि वो कहते हैं कि ऑलरेडी उनको पता था कि वो जो ब्रिक्स के हैं, ब्रिक्स के अंदर ऑलरेडी वो वहाँ पर दोनों बड़ी शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं और मायूसी की वजह इसलिए नहीं है मोदी के लिए, क्योंकि मोदी ऑलरेडी खुद भी ब्रिक्स के अंदर मौजूद हैं। तो दूसरे अल्फाज में ये कहना है कि हाँ हो सकता है कि बाइडन को शायद हो सकता है कुछ थोड़ी सी मायूसी हुई हो, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं एक बड़ी शख्सियत हूँ, मेरी मौजूदगी के दौरान दो बड़े ममालिक की जो मतलब क़यादतें हैं वो यहाँ नहीं हैं, तो हो सकता है कि शायद उन्होंने, लेकिन मोदी के लिए कम अज़ कम ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जो है ऑलरेडी ब्रिक्स, जैसे मैंने कहा कि ब्रिक्स में वो मौजूद हैं और बड़ी ठीक ठाक तरीके से भारत की वहाँ पे प्रेजेंटेशन है ब्रिक्स के अंदर। और आपको ये भी हमें बताया था कि ब्रिक्स एक अपनी करेंसी भी जारी कर रहा है, उसके अंदर भी भारत का बाकायदा उन्होंने प्रेजेंटेशन शो की है, उस नोट के ऊपर भी जो एक मतलब अभी एक इफ्तिताही सतह पर मतलब जारी किया गया था। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल के अंदर हम ये समझते हैं कि जो मैं समझ पा रहा हूँ एक बैन अक्वामी सूरत हाल और मामलात को देखते हुए एक तालिबे इल्म की हैसियत से, वो ये है कि भारत ने इसमें अपने अहदाफ जो है ना वो हासिल किए हैं। एक तो ये है कि वो जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें अब दो चीज़ें जो है ना ज़रा थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं, वो ये है कि एक तरफ तो आज जो न्यू दिल्ली अलामिया आया है उसमें बात ये कही गई है कि वन वर्ल्ड और वन इकोनॉमिक एंड वन जिसे कहते हैं कि आपको पता है कि वो एक सिलसिला चल रहा है ना, अब मैं ज़रा मुख्तार तरीक से बात कर रहा हूँ, कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जो वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट की जो बात है प्लस माइनस कुछ इसी किस्म के अल्फाज जो है ना यहाँ पर कहे गए, मोदी ने कहे और कुछ यही अल्फाज जो हैं बाइडन ने भी कहे कि हम वही एक हुकूमत और एक ख़ानदान की हैसियत से और एक इकनॉमिक के तौर पर हम जो है चलना चाहते हैं, ख़ानदान के तौर पर चलना चाहते हैं और एक मतलब जिसे कहते हैं कि सारी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल जिसे कहते हैं कि हम कंट्रोल करने के लिए, लुबे लुबाब अगर देसी अल्फाज में ज़रा मोहताज तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँ, तो मामला जो जिस साहब ने कहा था कि एक दज्जाली कुव्वतों का प्लान है किसी वक्त में वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट की तरफ मामला जाएंगे, तो उसकी हल्की सी नवीद जो है ना आपने यहाँ पर सुनी है इस किसके इस G20 के इस बैठक में। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ब्रिक्स को अगर देखें तो जहाँ ऑलरेडी भारत भी मौजूद है और चाइना भी मौजूद है और रशिया भी मौजूद है, वहां पे जो अलामिया जो हुआ था ब्रिक्स के अंदर जो बात की गई है उसमें सदर जी ने यानी चाइनीज क्यादत ने और प्लस प्यूटन ने जो रूसी क्यादत है उन्होंने ऑलरेडी ये कहा था कि हम जो है अमेरिका का कोई भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या कोई भी उसका जो एक जो ये वन वर्ल्ड वाला जिसका भी मैंने जिक्र किया है जो उनका एक तस्वुर है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब यहां पर आगे जो एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा होती है, हर सोचने आदमी एक सोचता है कि एक तरफ तो भारत तो वहां भी मौजूद है, वो जो एक ब्रिक्स का जो एक इत्तेहाद है वो ये कहता है कि हम भारत अमेरिका के इस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि दूसरी जानिब जो है भारत यहाँ मौजूद है और भारत ने यहाँ पर इस चीज को इंट्रोड्यूस भी किया और उसको उसकी उसको जो तस्दीक कहते हैं उसके ऊपर मोहर सब जो है वो बाइडेन ने भी की जो कि एक सुपर पावर है।
तो ये क्या कोई तजाद है? एग्जैक्टली बिल्कुल ये तजाद है, लेकिन इसकी वजह ये है कि हमने जो मालूमात की है वो ये कहते हैं कि भारत असल में तोल रहा है दोनों जानब। एक उसने आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाई हुई है और वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी रख के वो ये देखना चाहता है कि उसके मफादात या उसके जो अहदाफ हैं उसको कहाँ से ज़्यादा उसकी जो है उसको उसका हसूल होगा। ठीक है जनाब। तो अब जो न्यू दिल्ली का जो है आज डिक्लेरेशन आया है, उस डिक्लेरेशन के अंदर जो भारत ने जो बात कही है उसमें मैं इसको समझता हूँ कि भारत की बालादस्ती इसलिए भी आती है कि चाइना ने ये कहा था कि हम अभी फिलहाल G20 में अफ्रीकन ममालिक को नहीं लेंगे, जैसा अफ्रीकन जो लिया गया है मुल्क को भी। लेकिन मोदी ने आज कह दिया कि हम अफ्रीकन कंट्रीज का जो एक अलायंस है हम उसको ले रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि वो जो अब G20 था वो अब बन गया G21। ठीक है, जबकि चाइना ने इसकी मुखालफत की थी। यही आपसे मैंने कहा था कि यहां पर भारत कुछ और कह रहा है, लेकिन वहां पे भारत जहां ऑलरेडी भारत की पोजीशन वहां भी मजबूत है, वहां भारत अपने जो सबसे बड़ा एक इत्तेहादी है चाइना, उसके साथ उसके इख्तलाफात भी हैं, लेकिन वो वहां उनके साथ मौजूद भी है, और लेकिन यहां उनके इख्तलाफात के खिलाफ उनके उनके नजरिए के खिलाफ वो इकदाम कर रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये जो एक चीज है ना, ये होती है असल में एक खारजा आजाद खारजा पॉलिसी। और एक आजाद जब आप पॉलिसी अपनाते हैं तो वहां पर आप अपने वजन को और अपनी हैसियत को तोलते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस वक्त भारत कर रहा है। अच्छा, अब इन बिटवीन ये देखा जाएगा कि इन फ्यूचर के अंदर के क्या ब्रिक्स ज्यादा ताकतवर होता है या G20 ज्यादा ताकतवर होता है, जिसका किरदार सारी दुनिया में मजबूत हुआ भारत उसमें अपना वजन ज्यादा कर देगा और दूसरे पलड़े से अपना वजन कम कर देगा। ये असल में इस सारे मामला का जो हमें जो पता लगा है न्यू दिल्ली से, वो ये कहते हैं कि उनकी सिफारती की स्ट्रेटेजी है। अब क्या इस स्ट्रेटेजी में वो कामयाब होते हैं नहीं होते, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जो न्यू दिल्ली का जो डिक्लेरेशन हुआ है वो बाली डिक्लेरेशन की बनिस्बत बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें एक चीज तो ये है कि इंडिया ने अपनी एक इम्पोर्टेंस बता दी है, उसने खुद अफ्रीकन ममालिक को उसमें शामिल किया। नंबर एक। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि उसने एक बायो, जिसका मैं भी ट्विटर पर कहा था कि एक बायो का एक है एनर्जी का प्रोग्राम है, वो जो है फ्यूल्स का, वो एक अब उस वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं उसकी तफसील में ले जाऊँगा, फिर कभी बताऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान पर भी मुझे आना था। उस हवाले से भी उन्होंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर तकरीबन कोई 11 ममालिक को लेकर, शायद यहाँ एग्जैक्टली 11 ममालिक को लेकर उसके ऊपर भी एक अलायंस जो है बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी के ऊपर उस पर भी एक बनाया है। उसमें क्या मकासद है क्या है मैं इंशाल्लाह उस पर फिर वो किसी और उसमें बात करूंगा। कहने का मकसद ये है कि ब्रिक्स के अंदर मौजूदगी भारत की G20 के अंदर एक कामयाब स्ट्रेटेजी और कामयाब इनिशिएटिव का इजहार करने के बाद भारत की जो पोजीशन खत्ते में इंतहाई अहम होती जा रही है। और ये मत भूलें आप कि भारत ऑलरेडी ईरान के साथ चाबहार के ऊपर भी अहम माहदे कर चुका है, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि MBS जो वहां पर ऑलरेडी मौजूद है भारत के साथ, उन्होंने भी जो मिडिल ईस्ट के साथ जो कॉरिडोर बन रहा है उस कॉरिडोर पे भी उन्होंने जिस तरीके से रिमार्क्स दिए हैं और जो मामला और जो साइडलाइन में जो मीटिंग्स हुई हैं उसकी जो हमें अभी कुछ थोड़ी सी जानकारी मिली है, ज्यादा नहीं मिल पा रही, मैंने आपसे कह रहा है कि लोग मसरूफ हैं, तो उसमें भी पता लग रहा है कि भारत और मिडिल ईस्ट के दरमियान भी कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है लिया जा सकता है तिजारत और राहदारियों के हवाले से। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी जो है भारत एक आजाद खारजा पॉलिसी अपनाने की वजह से वो अपने आप को उसने खोल दिया है। इधर भी पैर रखा उधर भी पैर रखा, आजादाना तौर पे चल रहा है, जहां वो देखेगा कि उसको ज्यादा फायदा होगा उधर अपना वजन डालेगा। तो एक्चुअली यही होता है आजाद खारजा पॉलिसी, आजाद अपना जिसे कहते हैं कि तरीकेकार अपनाने पर। अच्छा, साथ ही साथ उसने भारत ने एक तो ये काम किया है, दूसरे ये है कि अमेरिका के साथ जेट इंजन, आपको पता है कि जेट इंजन का बहुत एक बहुत बड़ा मसला था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का, और दो तीन और मामला थे। जेट इंजन की टेक्नोलॉजी जो मुझे बताया जा रहा है कि वो तवक्को कर रहे हैं, बल्कि तवक्को क्या कर रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि तकरीबन बात हो ही गई है कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी जो है वो भी भारत को दे दी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि छोटे से इस वीलॉग के अंदर, छोटे से तहजीब में, मैं समझता हूं कि G20 के इजलास के अंदर और जो उसका आज डिक्लेरेशन न्यू दिल्ली का आया है, मैं समझता हूं कि उसके अंदर भारत ने भरपूर तरीके से ना उसमें कामयाबी हासिल की है। और इस वक्त इसके बनिस्बत जो आप अगर हम देखें सारी सूरत हाल खित्ते के अंदर, तो
तो जो भारत खित्ते के अंदर एक अहदाफ हासिल करना चाहता है उसकी झलक हमें उस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर आती है। वो डिक्लेरेशन मैं पढ़ूंगा नहीं, जाहिर सी बात है वो तो फिर वही बात होती कि आपने डिक्लेरेशन पढ़ दिया तो तजिया तो नहीं होता, लेकिन उस डिक्लेरेशन के अंदर और जो बातें भारत ने की हैं उससे पाकिस्तान और खास तौर पर चाइना को जो है बहुत कई अहम पैगाम दिए गए हैं। खास तौर पर जो FATF के हवाले से भारत ने बात की, आपने सुना होगा उसमें भारत ने कहा कि जनाब ये जो टेरर फंडिंग होती है उसके ऊपर भी बात की, और G20 के अंदर भारत की जानिब से टेरर फंडिंग का जिक्र आना और FATF का जिक्र आना, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि भारत का इशारा किधर है। हालांकि पाकिस्तान को टेरर फंडिंग नहीं करता, लेकिन भारत का एक स्टैंड है, वो अपने स्टैंड पे शुरू से खड़ा हुआ है। हम अपने स्टैंड पे तो कभी आगे पीछे हो जाते हैं ना, अव्वल तो हमारा स्टैंड है ही कोई नहीं, हम कभी अमेरिका की तरफ लुढ़क जाते हैं, कभी किधर लुढ़क जाते हैं, हमारा अव्वल तो कोई स्टैंड है ही नहीं। उसने एक स्टैंड लिया, सच है या गलत है, झूठ है या सच है, उसका एक स्टैंड है, स्टैंड है। तो वो जो है ये बात भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मामला जो है पाकिस्तान और चाइना के लिए भारत लिए एक सोच रखना होगा। दूसरा ये कि G20 में उर्दुगान की शिरकत भी हुई है, उर्दुगान की शिरकत को अभी मॉनिटर कर रहे हैं। जो मैंने कहा था कि रूस कैसा देख रहा है, अभी सारा रूस और चाइना जो है समान सूरत हाल को देख रहा है। अच्छा, इसी वाले से जो मैंने पाकिस्तान की बात की तो थोड़ा पाकिस्तान पे आ जाता हूँ मैं। डॉलर नीचे आ रहा है, अच्छी खबर है। बिजली चोरों की भी पकड़ हो रही है, बहुत अच्छी खबर है। बड़े मैंने देखा कि भाई सैकड़ों के हिसाब से लोग पकड़े गए हैं और सरकारी लोग भी पकड़े गए, लेकिन सवाल मेरा ये पैदा होता है यहाँ पर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बिजली चोर पकड़े गए हैं ये चोर अब क्यों पकड़े गए, मतलब ये जो पहले जो था काम सारा उसमें पहले क्यों नहीं पकड़े गए। देखिए जरा समझने की कोशिश करें, जब मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मैं जो सियासतदानों को जब मैं कहता हूँ तो लोग मेरे पे भरत जाते हैं, कहते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के आदमी। मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, ना मैं इमरान खान का आदमी हूँ ना मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी। तजिया निकार को हमेशा आज़ाद होना चाहिए, अगर मैं किसी की हिमायत में चले जाऊँ तो फिर वो तजिया नहीं होता, फिर वो कसीदा गोई हो जाती है। सियासतदानों ने ये काम क्यों नहीं किया, कोई भी था, नवाज शरीफ साहब हो, ये हो, दूसरे एक्सपर्ट, क्यों क्यों नहीं ये काम किया? क्या रेंजर्स उनके मातहत नहीं थे? इमरान को पकड़ ले तो रेंजर सबके मातहत होते हैं, तो इनको पकड़ने के लिए रेंजर्स उनके पास नहीं थे? क्यों नहीं उन्होंने ऐसे कानून बनाकर किया? इसकी वजह यह है कि इनके खुद तमाम सियासी जमातों ने, तमाम जितने भी हैं उनके ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, वो सब के सब सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी हुकूमती सरकारी जो मिशनरी ने, ये मिलकर खाते थे। अभी हाफिज साहब ने जो भी किया, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, तरीकेकार बहुत सारे इसमें भाया, बहुत सारे मिस्टेक हैं जो को ये लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे मैं उस पर बात करूंगा आगे जाके, कल के ब्लॉग में बात करूंगा, बड़ी अहम इशू है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत सारी अहम चीजें हैं जो लोगों को बताना, आपको बताना बहुत जरूरी है। तरजीहात और जो तौजीहात में बड़ा फर्क है, लेकिन यहां कहने का मकसद है कि ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया। यही वजूहात है जो मैं कहता हूं कि जब सियासतदान जब खला छोड़ते हैं ना अपना, तो फिर जो है एस्टेब्लिशमेंट को घुसने का मौका मिलता है। एक तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात, रिश्तेदारियां, बदउनवानी में शेयर, केक का पीस, आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊं, आधा यूनिफॉर्म वाला खाएगा आधा बगैर यूनिफॉर्म वाला खाएगा, आधा झंडे वाला खाएगा आधा जो है बगैर झंडे वाला खाएगा, तो ये जो मिल बांट के जो खाने की कहानियां है ना, ये बुनियादी तौर पर खराबियां पैदा करती हैं। ये करप्शन है हमारे यहाँ। अब इस चीज को हाफिज साहब ने महसूस किया, गो के हाफिज साहब का जो प्लान है वो भी, उसमें मैंने कहा कि मैं बाद में बात करूंगा कि वो कैसा है, क्या होगा, कहां तक कामयाबी होगी, मैं उनकी नियत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो आज इनिशिएटिव उन्होंने लिया है ना, वो किसी न किसी हद तक बेहतर है, उसके आपको ही नजर आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर नीचे गिर गया तो क्या पेट्रोल सस्ता हुआ, क्या आटा सस्ता हुआ? नहीं, सही नहीं सस्ता हुआ। अब लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं, देखिए एक बात बताऊं आपको छोटी सी जल्दी से बात मुख्तसर कर बताते चलूं, कि लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो सब कुछ हो रहा है, डॉलर इतने सारे आ गए, सब कुछ हो गया, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, तो ये किधर जा रहा है सारा? अब मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है कि ये सारे का सारा जितना पैसा जमा हो रहा है ना, ये सब जो है IMF लेके चला जाएगा। आपने 3 अरब लिए हैं IMF से, 13 अरब रुपए आपको देने हैं। आप लोग खुश ना हो कि इतना डॉलर आ गया, बहुत सारे जमा हो गए, डॉलर की रेट आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इससे कौम के आंसू नहीं पूछने वाले, ये सारे का सारा माल जो है लेके निकल जाएंगे कौन, IMF लेके। उसके अभी 13 अरब डॉलर आपने देने, कहां से देने आपने? वो यहां सब जो पकड़ रहे यहीं से आपने देने। ये प्लान जो है अगर हाफिज साहब कौम को साथ लेके चलते, अगर अवामी उमंगों के साथ लेके चले तो बहुत बेहतर है। जिन्होंने इनको ये प्लान दिया है, प्लान तो जाहिरी तौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन पस से पर्दा इसके पीछे बड़े मामला खराब है। आज वो बात हुई है, उन्होंने कहा कि जैसे वो कह रहे हैं कि इन्होंने ठेके पे देना है, सब कुछ करना है। देखिए मैं बात बताऊं आपको, ये कह रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं कि हमने मादनियात से हमने वो करना है, हमने जमीनों को गिरवी देना है। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी एक दफा फिर कहा था कि ये जो आप दे रहे हैं ना कैपिटल फॉर्मिंग, ये कर रहे हैं इंतहाई खतरनाक है।
कैपिटल फॉर्मिंग के अंदर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आप सारे मुल्कों को अपनी जमीन दे रहे हैं। अगर आपने रिकॉर्डिंग के खजाने आप मादियात बेच देंगे, मिसाल मैं देसी तरीके से समझा रहा हूं आपको, मिसाल तौर पाकिस्तान पर कर्जा $1,000 का, एक मिसाल $1,000 का है, और $1,000-1,500 के आपके पास रिकॉर्डिंग में खजाने, आपने सारे खजाने बेच दिए, दे दिया आपने बेबरिक को और फलाने फलाने को दे दिया, आपने बेचना शुरू कर दिया, सोना गया, चाइना ले गया, सब ले गया, $1,000 का आपका कर्जा तो उतर गया, चले आपका कर्जा पूरा हो गया, पीछे भी बचे आपके पास $500, तो फिर जब वो पास वो जब ये खत्म हो जाएंगे $500, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर मुझे बताया ना, जब ये रिकॉर्डिंग के खजाने खत्म हो जाएंगे, जब ये जमीनें आप रहन कर देंगे, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान क्या करेगा? तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए ना, इस तरह नहीं होता। आपने असासे बेचकर या इन चीजों को बेचकर आप अपने इस तरह नहीं चल सकते। होना यह चाहिए था कि हाफिज साहब को चाहिए था कि सारे जितने उन्होंने जागीरदार पकड़े, बदमाश पकड़े, इन तमाम सरमायेदारों की, जागीरदारों की जमीनों को जब्त करें, जमीनों को कैपिटल फार्मिंग में ना दें, जमीनों को जब्त करके हारियों में तकसीम करें। जो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आए ताकि इन सियासतदानों की, जागीरदार सियासतदानों की कमर टूटे, ये तमाम जमीनें जो हैं हारियों में तकसीम करें और हाफिज साहब एस्टेब्लिशमेंट जो है इनको बाकायदा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करें और इन प्रोजेक्ट के अंदर इनको फ्री बीज दिए जाएं ताकि पाकिस्तान के अंदर एक जरई इंकलाब आए। आपको पता नहीं है पाकिस्तान एक जरई मुल्क है, जो अगर हम जो अल्लाह ताला ने हमें जो जमीन दी है उस जमीन से हम फायदा उठाने के बजाय हम इसको दूसरों को ठेके पे दे रहे हैं। वो जब कैपिटल फार्मिंग करेंगे, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, वो तो अपनी चीजें यहां पर उगाएंगे, वो ऐसी चीजें उगाएंगे जो पाकिस्तान में नहीं बिकेंगी। वो आप देखें ना अफ्रीका के ममालिक का क्या हाल है, वहां पर उनको कोई चीज नहीं मिलती। तो ये चीज भी है, जमीन भी आपके हाथ से चली जाएगी, खजाने भी आपके निकल जाएंगे, तो फिर आप मुझे बताइए कि फायदा क्या होगा? आप पाकिस्तान में जरई इंकलाब लेकर आए, पाकिस्तान एक जरई मुल्क है। मैंने मिडिल ईस्ट के अंदर, कतर में, बहरेन में, दुबई में, सब जगह देखा, मैं एक एक मैं जाता हूं वहां, हर छोटी छोटी मार्केट में छोटी सी सब्जी, एक फ्रूट, एक सेब और केला, हर चीज इंडिया से आती है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप ये पाकिस्तान से क्यों नहीं बातें, उन्होंने कहा पाकिस्तान में होती तो मंगाए कहां से। आप कोशिश ये करें कि अपने असासे बेचने के बजाय, अपनी अपने खजाने बेचने के बजाय आप कोशिश करें कि अपनी पैदावार बढ़ाएं। ये जो आप पैसा ले रहे हैं इसको कारखाने लगाएं, इनसे इनको बुलाएं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट हैं इनको बुलाएं, सारा के जो टोयोटा वाले और दूसरे तीसरे वाले, इन सबको बुलाएं, कारखाने लगाओ, चीजें पैदा करो, बिजली वालों को पकड़ के बिजली सस्ती कराएं, बिजली के ऐसे सस्ते प्रोजेक्ट लगाएं, पैदावार बढ़ाएं, चीज बेचकर, चीज पैदा करें, चीज बेचकर पैसे आप नहीं मिले बल्कि पैदा चीज बनाएं और बनाकर बेचें। अपने पास से ऑलरेडी चीजों को आप बेच देंगे तो फिर क्या फायदा होगा? ये तो अमेरिका का बड़ा खतरनाक प्रोजेक्ट है, पीटीसीएल का। मैं आप बता चुका हूं, पीटीसीएल बिक गया ना आपका, अभी आप जमीन गिरवी कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल की बात करता हूं, मेरी एक कंपनी है किसी जगह, है किसी जगह छोटी सी कंपनी, अगर मैं उस कंपनी के जरिए पाकिस्तान के अंदर कैटल फार्मिंग के अंदर कैपिटल फार्मिंग के अंदर मैं अगर वो एक जगह ले लूं और बाद में मैं अपनी कंपनी उठा के मैं बेच दूं किसी इसराइली को या जो दूसरे और तमाम जिसे वो अगर बेच दूं, तो फिर इसका मतलब है इसराइल की तो बराह रास्त वहां पे हो गई अप्रोच। तो ये कोई चीज नहीं होती इस तरीके से। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, पैदावार को बढ़ाएं, अपने किसान को ताकतवर करें। पाकिस्तान एक जरई मुल्क है, पाकिस्तान में जरई इंकलाब, एक तो हथियार है हमारे पास जमीनों का, वो भी हम कैपिटल फार्मिंग के अंदर लाके बड़े खुश हो रहे हैं कि हम दे देंगे और हमें $25-25 बिलियन मिल जाएगा। भाई आप जमीन भी अपनी देंगे $25 बिलियन, अब कब तक खा लोगे $25 बिलियन? भाई क्या होगा $25 बिलियन से? तो ये जो अमेरिका का जो मंसूबा लाया गया ना, ये गलत मशवरा दिया गया है। हाफिज साहब की नीयत में बिल्कुल शक नहीं है, हमें अपनी फौज के सीनियर्स के ऊपर बिल्कुल शक नहीं है, वो बिल्कुल सिंसियर है। अगर सिंसियर ना होते तो बिजली के चोरों को ना पकड़ते। लेकिन सवाल ये बता था कि उनके साथ भी वही काम किया जा रहा है जो कि इमरान खान के साथ किया जा रहा है। इमरान खान के ऊपर बात आई है, थोड़ी सी बता दूं कि इमरान खान के हवाले से एक जो है अपना, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बाहर इसका होना वाना कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं सदर ममलिकत को देखिए बुरा भला कि सदर ममलिकत ने धो, देखिए सदर ममलिकत को बुरा मत कहें आप, सदर ममलिकत ने, मैंने इशारा पहले भी आपको किया था कि वो तारीफ नहीं देंगे, उसकी कोई वजूहत है, मैं कुछ मामला बताता नहीं हूँ, पसे पर्दा कुछ थोड़े से मामला चल रहे हैं 2-3 दिन से, मैं जाहिर नहीं करता लोगों को, तो हो सकता है कि शायद इमरान खान के लिए कोई रिलीफ मिल जाए। तो अब इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इशारा दे रहा हूं कि कुछ मामला चल रहे हैं, हो सकता है इमरान खान को रिलीफ मिल जाए। और जैसे कि दफा मैंने कहा था पहले भी कि गुज़श्ता हफ्ते तक मैंने कहा था कि इमरान खान को कोई ऐसे रिलीफ की अभी तक बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जब सदर साहब की जो मुलाकातें हुई थी उसके बाद जब उनसे कहा गया था, मैंने आपको कहा था ना कि सदर साहब को ब्रीफ किया गया था कुछ चीजें कि भाई ये आप ये है या इस तरह कर लें या ऐसा कर लें,
तो उन्होंने कहा था ठीक है मुझे टाइम दे, दो दिन का सोचकर बताऊंगा। तो कुछ मामला थोड़े से चले हैं इमरान खान के लिए, हो सकता है वो बाहर चले जाए, कुछ और हो जाए, लेकिन बहरहाल एक थोड़ा सा एक दरवाजा खुला है। तो आप बिलावजह लोग जो है ना, वही जैसी बात है कि वो कीपैड वॉरियर जो है बस बिला सोचा समझे, उन्होंने सदर साहब को भी गालियां देनी शुरू कर दी, तो वो चीज ठीक नहीं है। दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है कि जनाब वो हम जरदारी साहब ने कहा कि जनाब वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे और फलाना ढिमकना और हम यूं कर लेंगे ऐसा कर लेंगे पहला मईत। असल में मसला ये कि उनकी दुम पे पैर आ गया, उनको कहा गया था कि जनाब या तो आप ये इलेक्शन के बाद से हट जाएं वरना फिर ये आपकी जो है ना सारी फाइलें फूलें तैयार हैं, हम सबको पकड़ेंगे। जरदारी साहब से किसी का मशवरा हुआ, जरदारी साहब बहुत होशियार कहीं आदमी है, तो उनसे ये पूछा गया कि जनाब क्या करें, थोड़ा सा दबाव बढ़ाएं। तो जरदारी साहब ने कहा दबाव बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस वक्त पावर में नहीं है, हमारे पास कोई हुकूमत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम वो काम नहीं करेंगे जो इमरान खान ने किया। वो कहते हैं कि इस वक्त ये जो प्लान चल रहा है, इस वक्त इलेक्शन को आगे करना और थोड़ा बहुत ये जो माशी जो प्रोग्राम आया, इसके पीछे अमेरिका की एडवाइस है, और उनका कहना था कि अमेरिका ही हमें इख्तदार में लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, चार आदमियों से बात की थी जरदारी साहब ने, जरदारी साहब के चार असल अहम मशीर जिसमें से तीन मकामी एक फॉरेनर है, छोड़ दें अब कहाँ हुआ कौन, ये मेरा काम नहीं बताना, जरदारी साहब को भी खुद ही बता देंगे वक्त आएगा। तो वहाँ ये बैठ के हर एक अम्मा जुमा से बैठ के मुलाकातें नहीं करता। जरदारी बहुत शातिर आदमी है, आप उसकी सोच को नहीं पहुँच सकते। जिसने कहा था ना एक जरदारी सब पे भारी, कुछ सोच कर कहा था उसने, तो उन्होंने कहा था कि मैं इमरान की तरह बेवकूफ़ी नहीं करूँगा कि हुकूमत मेरे पास नहीं है और दो ताकतवर तबकों से मैं एक साथ टक्कर ले लूँ, यानी एक फौज और एक दूसरा अमेरिका। अमेरिका ने उन्होंने कहा मुझे इख्तदार पर लेकर आना। उन्होंने कहा बेटे बिलावल तुम जाओ, जरा तुम जाके थोड़ा सा ना ऐसा करो, दबाव भी दो थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और अपने तुम टोन जरा हाई रखो, मैं पीछे से ना इनको कहता रहूँगा जी ओके सही ठीक है। तो ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं ना जरदारी साहब की और बिलावल साहब की, ये बस आपको मैंने उसका आपको तरीकेकार बता दिया। बहरहाल इमरान खान के हवाले से मैंने आपको खबर दे दी है। आज का वीलॉग थोड़ा सा शायद एक दो मिनट लंबा हो गया और बहुत बातें बहुत सारी हैं, लेकिन बहरहाल वीलॉग का एक दो मिनट तवील होने पर मैं माजरा चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।